cheers on your but there's a lol laga tha na abhi to lol beta back game to dekhi jaise mein baki electronics main room ticket जैसे कि मैंने क्या पहना हुआ है टुडे इज 25th of December 2020 एंड आज क्रिसमस है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। हाँ, और मेरा एक और सवाल था कि जो क्रिसमस होता है तो उसमें हम लोग मैरी क्रिसमस को कहते हैं, हैप्पी क्रिसमस क्यों नहीं कहते? तो अगर किसी को पता हो मैरी क्रिसमस क्यों कहते हैं, हैप्पी क्रिसमस क्यों नहीं कहते, तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। क्रिसमस में हमने कुछ किया नहीं बिकॉज हमारे कल एग्जाम है। आजकल हॉस्टल में थोड़ा सीरियसनेस फैल चुकी है बिकॉज सबकी कुछ दिनों पहले मैंने एक अपनी क्लीनिंग वाली वीडियो डाली थी रूम की क्लीनिंग की। तो जैसे कि बॉयज हॉस्टल है, मैंने पहले भी कहा था कि रूम को गंदा होने में ज्यादा टाइम लगता नहीं है, ठीक है? तो वही मेस क्रिएट हो चुका है रूम में। कल हमारा फार्मा का एग्जाम है तो सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। देवेश भाई साहब जी किससे पढ़ रहे हैं? देवेश शानबाग। शानबाग से पढ़ रहा है। शानबाग ऐसी ऐसी बुक है जो अगर आप एग्जाम से दो तीन दिन पहले पढ़ो तो पास हो जाओगे, पास होने की गारंटी है। बाकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो या ना हो वो अलग बात है, लेकिन पास होने की गारंटी है। क्या पढ़ रहा जयंत? अरे माँ चुदी पर ही है। थोड़ा तेज बोलेगा, सुनाई नहीं दे रहा। सिंपैथोमायमेटिक। सिंपैथोमायमेटिक, ओके। हमारे एग्जाम 24 से स्टार्ट हो गए थे, 24 को हमारा पैथो का एग्जाम था, कल आज छुट्टी थी, 26 को कल हमारा फार्मा का एग्जाम है एंड दो एग्जाम अभी और हैं, तो बेसिकली 29 तक हमारे एग्जाम खत्म हो जाएंगे। मैं आपको एक इंसान से मिलाना चाहता हूँ, मैंने अभी तक मिलाया नहीं होगा। आकाश शर्मा नाम है उस इंसान का नाम, इसको सब लोग हम सांप कहते हैं, ठीक है? सांप किस लिए कहते हैं? बिकॉज भाई साहब जी छुप छुप के पढ़ लेते हैं और हमें बताते हैं कि पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं की है। मैं तारीफ के साथ साथ ये कहना चाहूंगा कि इस बंदे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो इतने ज्यादा क्रिस्टल क्लियर है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। मतलब ऐसा होता है कि अगर आपने कोई टॉपिक, लाइक मैं अपनी बात करता हूं, अगर मैंने कोई टॉपिक पढ़ा है 5 मिनट पहले, तो एक टाइम को अगर कोई मेरे से क्वेश्चन पूछे तो मेरे को डाउट आ जाएगा कि अच्छा ये होगा कैसे। लेकिन इस बंदे ने अगर एक साल पहले वो टॉपिक पढ़ा होगा और अगर आप क्वेश्चन पूछ लो अभी भी तो भाई साहब जी बकवास करेगा। भाई साहब ये बता देता है कि भाई ये हाँ ये वेलप्रोएट ले लो, फिर ये पैरासीटामोल ले लो और ये सब कर लो। ये बंदा सब पढ़ लेता है और हमें बता दे कि भाई मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। इन सब का मानना है कि शर्मा सांप है। वो मना कर रहा है, सांप तो है, सांप तो है। सो अभी काफी टाइम वेस्ट कर लिया है, अब मैं थोड़ा पढ़ने चला जाता हूँ बिकॉज अगर फेल हो गया तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। कोशिश तो ये है कि फेल नहीं होगा, पढ़ाई कर लूंगा मैं, क्योंकि भाई ने तुम्हारी पढ़ाई की है अभी, तो अभी थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं जो पढ़ा है। उनको तो ऐसे याद करके याद आ गया, मेरे को तो ये याद नहीं आ रहा कितने टाइप के होते थे भाई। दो बार पढ़ा है नहीं। अरे यार अबे नॉन सिलेक्टिव और जो कॉक्स वाले वो थे कोक भाई, मैं तो ड्रग्स अब ऐसे लिखूंगा भाई ऐसे टीचर तेरे साथ लॉल कर देगा। बीकेएम का पेपर लिया करा था ना, वैसे कर दिया बीकेएम वाले पेपर, उसमें ये जाके गया था रात भर। आसार कुछ वैसे ही नजर आ रहे हैं। डायरेक्ट डिटेक्शन ऑफ एंटीजन, हाँ, आइसोलेशन और सीरोलॉजी डिटेक्शन और स्किन टेस्ट हो जाता था, ठीक है? अब उसके बाद डायरेक्ट डिटेक्शन में लाइट माइक्रोस्कोप, हाँ, ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोप में क्या देखते हैं, इम्यूनोफ्लोरेंस कर देते हैं, एक हाथ में डालते थे और दूसरे हाथ में हम नॉन इन्फेक्टेड वाले ट्रीटमेंट में टेट्रासाइक्लिन तो देती देते सब में, बाकी एरिथ्रोमाइसिन। गाइज आपने गली क्रिकेट देखा होगा, नॉर्मल फील्ड पे क्रिकेट देखा होगा, लेकिन रूम क्रिकेट आपने आज तक कभी नहीं देखा होगा, तो आज आ रहे हैं रूम क्रिकेट।
पिच एकदम रेडी है, यहाँ पर क्रिकेट के साथ साथ पढ़ाई भी हो रही है, बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं, कुछ दर्शक भी हैं, एक दर्शक है हमारे पास, एक बच्चा नॉवल पढ़ रहा है, एक फील्डर हमारा बेड पे बैठा हुआ है। ओ माय गॉड पोजीशन। अरे ये कैसी बॉलिंग है भाई, तभी तो बॉलर लाइन एंड लेंथ भूल चुके हैं, कैसे बॉलिंग करते हैं इनको पता ही नहीं है। ओ माय गॉड टुरु शॉट, बेस्ट बेस्ट फील्डर तो निखिल लग रहा है भाई। निखिल के हेलमेट के अंदर पूरा फॉग भर चुका है, लेकिन भाई के अंदर डेडिकेशन इतनी ज्यादा है कि फील्डिंग करना नहीं छोड़ी है, कचरा बॉलिंग करते हुए। भाई असली कचरा तो ये है। ओए भाई का बॉलिंग करवाने के बाद स्टांस जो होता है वो बहुत गजब है। अरे अरे अगेन यार, कैसा यार बॉल स्विंग करते हुए अब। लेकिन एक बंदे की दाद देनी पड़ेगी, शोर इतना मच रहा है, ये बंदा इतना सीरियस है, इतना सीरियस होके पढ़ रहा है ये बंदा कि ऐसा लगी नहीं रखी यहाँ पर क्रिकेट हो रहा है, बहुत ज्यादा सीरियस है भाई ये तो। ओ ये है ना असली प्लेयर, विराट कोहली आ चुके हैं यहाँ पर। ओहो 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 भाई पहली बॉल पे आउट करो यार इसको। बैटिंग करने का जो क्राइटेरिया है दैट इज हाइट वाइज, जिसकी हाइट सबसे छोटी उसकी बैटिंग सबसे फर्स्ट। गाइस फील्डिंग कितनी अच्छी हुई है कि ये भी टूट चुका है और वहां लड़ाई बैटिंग के लिए चल रही है। अरे यार गाइस वी आर डन विद दी फार्माकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी एग्जाम। फार्माकोलॉजी में हमने इतनी मेहनत की थी, पूरी रात जगे थे, लेकिन उस मेहनत का कोई फायदा हो नहीं पाया क्योंकि पेपर इतना टुच्चा सा आया था, जो हम पढ़ के गए थे वो बिल्कुल भी नहीं आया, और पता नहीं कैसे कैसे से क्वेश्चन आ चुके थे जो कि हमें आते थे पर उतनी अच्छी तरह नहीं आते थे, पर हम लिख के आ चुके हैं, अब देखते हैं क्या होता है। बाकी अगर मैं माइक्रोबायोलॉजी की बात करूं तो माइक्रोबायोलॉजी का पेपर इजी था, जो पढ़ के गए थे वही आया था। फार्मा के लिए मैं ये कह सकता हूं कि सारी मेहनत बर्बाद पहन चोद। एंड आज टुडे इज 29th ऑफ दिसंबर एंड आज हमारा लास्ट फोरेंसिक का एग्जाम है, एंड अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30 एंड ये सीन ऐसा चल रहा है कि फोरेंसिक में आ रहा है पूरा सिलेबस, बट तब भी हमने इम्पोर्टेंट पढ़ लिए हैं। अब सिचुएशन ये है कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा, देखते हैं क्या होता है, फोरेंसिक कैसा जाता है। फाइनली वी आर डन विद दी टर्म, टर्मिनल वन एग्जाम हमारे खत्म हो गए, आज फोरेंसिक का एग्जाम था, फोरेंसिक एग्जाम दे दिया एंड नाउ वी आर फ्री। जैसे कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बोला था कि मैं आपको मतानी से मिलवाऊंगा, मतानी जो काफ़ी इंटेलिजेंट एंड जिम फ्रीक है, सो मतानी आज फाइनली आ चुके हैं, सो आई थॉट कि आप लोगों को मिलवा देता हूँ मतानी जी से। दिस इज मतानी, अनिकेत मतानी है, ये कोटा राजस्थान से, जहां पर आप सबको पता होगा जेई मेंस और नीट की प्रिपरेशन होती है। जैसे जैसे व्लॉग आते जाएंगे आपको पता लगता जाएगा मतानी कैसा है, लेकिन बंदा बहुत मस्त है मतानी। एंड आज का सीन पूरा सेट है हमारा, रात में पार्टी होने वाली है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज गिव अ थम्स अप, लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड प्लीज अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना। स्टे सेफ स्टे हेल्दी एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing.